हिलाल का विकेट वो लेने में सफल रहे हैं। इस बार चले उमर होंगे सामने इस बार, और रूम बना लिया, खूबसूरत सा ये शॉट, रूम बना के कवर्स की तरफ खेला गेंद दंदन आती हुई चारों के लिए। जल्दी आपकी मुलाकात हम स्कीयर से भी करा देंगे। इस बार चले आखिर उठा दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, क्या लपक पाएंगे? जी नहीं, खूबसूरत सा ये शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर चार रनों के लिए, उमर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। निकलकर सामने निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया एंड टू द फेंस, छह रनों के लिए आशिक कर्रा के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत सा छक्का। होगी रफ्तार पकड़िए, क्योंकि अभी आबिद का एक ओवर आना बाकी है, आबिद नबी का और उमर आलम का एक ओवर आना बाकी है, वो दो ओवर फिर अंत में आप ये देखिए, हमने कहा उन्होंने सुना। आगे निकलकर स्टेयर कर दिया है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर चार रनों के लिए, खूबसूरती के साथ ये चार रन आते हुए एफसीसी। फिर से एक बार सामने होंगे, इस बार आशिक आगे बढ़कर खेल दिया है बॉलर स्पेक ड्राइव सीधे चार रनों के लिए, गेंद दंदन आती हुई नाखुश, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पकड़ ली है अपने अपनी बैटिंग में। आबिद इस बार चले उमर के लिए, उठा दिया हवा में फिर से एक बार कवर के ऊपर से छह रनों के लिए एक और छक्का। परेशान बॉलर, डाले कहां, जहां डाल रहे हैं वहां पड़ रही है उमर आलम। उमर जिस तरह के शॉट्स ले रहे हैं, आबिद धीमी हुई लेकिन फिर से आप उमर ने रफ्तार पकड़ ली है, रफ्तार सिपनर के साथ गेंद को निकाल दिया, स्टीयर कर दिया है कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद दंदन आती हुई चार रनों के लिए। हालांकि कवर और पॉइंट का जो सहल छोटे से कदमों के रन आपके साथ, बॉलर स्पेक्ट्रा आई फिर से एक बार, फील्डर वहां होंगे, जी नहीं मिस फील्ड, चार रनों के लिए एक बार फिर से मिस फील्ड। उमर के लिए सहल आगे निकलकर हवा में गेंद और आसान सा कैच, एक खूबसूरत सा कैच।